वन क्षेत्र में बोरिंग करते बोरिंग मशीन को किया एसडीओ बीके राजौरिया ने जब्त। बमोरी क्षेत्र के झुमका गांव में वन परिक्षेत्र में बोरिंग द्वारा बोर करने की सूचना पर एसडीओ ने वहां पर छापामार कार्रवाई की। मौके पर से वाहन को जब्त किया गया। जब उक्त वाहन पर मौजूद कर्मचारियों से बोर करने की परमिशन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने किसी भी तरह की कोई परमिशन न होने की बात कही। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि परमिशन के लिए आवेदन दिया हुआ है, लेकिन देर रात्रि को जब्ती की कार्रवाई कर बोरिंग मशीन को गुना लाया गया। वहीं आज दोपहर तक ना तो उसके मालिक उपस्थित हुए और ना ही उसके कागजात। वहीं डीएसओ नरवरिया ने हमें बताया कि यदि वाहन के उचित कागजात एवं परमिशन संबंधी दस्तावेज नहीं मिलते हैं तो वाहन को राजसात कर लिया जाएगा। जा रही थी तो मैं देखा हम अच्छा मैं प्रेस ग्रुप पे आ गई थी तो फिर कोई मतलब नहीं बुरा हुआ कि चौक से फटाफट जा रहा हूं लेट हो गया तो हमने लेट भैया 11 अभी तो मतगणना में बिजी है मतदान में तो 11 के बाद आप कॉल कर लेना मुझे। अच्छा अच्छा मुझे दिनांक 30/11/18 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि वन परिक्षेत्र भमोरी की बीट झुमका के अंदर एक बोरिंग मशीन से बोर होने वाला है। सूचना पर पूरा स्टाफ हमने तैयार किया और यहाँ से स्टाफ को लेके मौके पर पहुँचे। लगभग 2 बज चुकी थी रात के और दिनांक 1/12/2018 हो चुकी थी। वहाँ हमने देखा कि बाबू बंजारा के पास में ही जो वन भूमि है उसके टपरों के पास उसमें एक बोरिंग मशीन से बोर खनन होते हुए पाया और उस मशीन के पास में जो रॉड लेके चलती है खनन के उद्देश्य से जो रॉड रखी जाती है वो वाहन भी मौके पर पाया गया है। नलकूप खनन के लिए स्वीकृति के संबंध में संबंधित जो बाबू बंजारा है उससे पूछताछ करने पर उसने बताया कि मैंने आवेदन दिया है लेकिन मुझे अभी स्वीकृति नहीं है मिली है। तो ऐसी स्थिति में दोनों मशीनों को वहाँ जब्त किया और जब्त करके वन मंडल गुना के यहाँ अंदर कैंपस में ला के रखा गया। क्या कार्रवाई की जा रही है इन दोनों पर? इन पे भारतीय वन अधिनियम 1927 की धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है और जब ये अपने कुछ जो पेपर दिखाना चाहते हैं वाहन स्वामी कौन है इनके पास स्वीकृति है या नहीं सारी चीज़ें खनन करने के लिए स्वीकृति ली या नहीं ये सारी चीज़ें अभी उन्होंने बोला है कि हम आपके पास लेके भिजवा रहे हैं लेकिन अभी कोई उनका व्यक्ति आया नहीं है। जैसे ही आएगा आगे की कार्रवाई उसी हिसाब से की जाएगी।